Assalamu alaikum guys, good morning, how are you? I hope आप लोग बहुत अच्छे और खुश होंगे। ये हो गई सुबह के 6 बज गए और ये हम देखिए उठकर अपने कंबल को सरिया रहे हैं और ये हमने पी लिया 2 गिलास पानी गर्म करके और पूरे घर में मैं झाड़ू लगा रही हूँ देखिए। और उसके बाद मैं वॉक के लिए निकल गई, फिर ये हमने ग्राउंड में कुछ एक्सरसाइज वगैरह किया देख रहे हैं गाइस। सुबह अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना चाहिए गाइस, इससे अच्छा सेहत 1000 नेमत है। और फिर मैं वापस आकर ये नाश्ते बनाने लगी, ये देखिए हम आलू के पराठे और धनिया और टमाटर की चटनी बना रहे हैं। ये हमने आप देख रहे हैं ये आलू को फ्राई कर रहे हैं और इसमें हमने जो भी बेसिक मसाले हैं वो सब हमने डाल दिया जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये हमने धनिया पत्ती डाल दिया और हमारी आलू लगभग हो गई है तैयार पराठे के लिए। और ये हम आटे में अजवाइन कलौंजी नमक डाल दिए हैं और इसे गूंद लिया। और ये देखिए हमारी स्टफिंग भी तैयार है और हम ये स्टफिंग करके पराठे बेलकर हमने तवे पर डाल दिया और ये लगभग हमारी पराठे और टमाटर धनिया पत्ती की चटनी रेडी है खाने के लिए। और ये देखिए हमारे हस्बैंड क्या लेकर आए हैं, ये है प्रेस्टीज का केटल, इलेक्ट्रिक केटल गाइस। ठंड के मौसम में इसमें पानी वगैरह गर्म करने में आप सुबह के टाइम वज़ू बना सकते हैं, पी सकते हैं। ये इससे आराम के लिए हमने इसे मंगवाया तो ये काफ़ी ठंड के मौसम में सुकून का सामान है। बस 2 मिनट में पानी इसमें गर्म हो जाता है। बहुत खूबसूरत पार्क है गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं नज़ारे शाम के वक्त लीजिए तो ऐसे शाम के वक्त इस पार्क के बहुत खूबसूरत नज़ारे होते हैं गाइस। ये देखिए कैसे ये 6 से पानी गिर रहा है, ये फवारा, काफ़ी मज़ा आता है शाम के वक्त इस पार्क में गाइस घूमने में। काफ़ी कुछ है और बहुत ब्यूटीफुल पार्क है ये देखिए। 2-2 झील है और फव्वारे काफ़ी बहुत सारे हैं। देखिए कैसे शाम के वक्त का ये खूबसूरत नज़ारा है, लाइटिंग वगैरह सब जल गई है और ये फव्वारे देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये शाम के वक्त मैं पार्क में देखिए आराम से वॉक कर रही हूँ गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सुकून महसूस हो रहा है। और उसके बाद हम लेंगे ये झूले का मज़ा, देखिए कितना मज़ा आ रहा है झूला झूल के शाम के वक्त, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस झूले झूल कर। देखिए कितने मस्ती से झूले झूल रहे हैं शाम का ये वक्त, ये कुदरत के नज़ारे और ये लाइटिंग वगैरह पार्क की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा है। और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे और ये हम आ गए हैं गोयल मार्ट, क्योंकि हमें
ग्रोसरी के कुछ सामान लेने थे। तो ये देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। लेके आइए सामान। और हमने अपने ग्रोसरी के कुछ जो ज़रूरी सामान थे वो हमने यहाँ से लिए। और अब इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग हो गया पूरा। गाइस प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत कम वॉच करते हैं और लाइक भी नहीं कर रहे। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।